गीता जी आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अपने के प्रति समर्पण को समर्पित है, इसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब हाल के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की निराकरण के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अत्यम उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई। मैं लिख से हटकर ऐसे फिल्में बनाने वाले सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। ऐसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं प्रशंसा करती हूँ। भारतीय फिल्मों को देश की सामाजिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वाहक बनाया। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी फिल्मों न सिर्फ देश और समाज के लिए हितकारी होंगी बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयोग को आप और मजबूती से करें। देवियों और सूर्य, चंद्रयान की सफलता पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित रॉकेटरी द नाम बी इफेक्ट नामक फिल्म द्वारा वर्ष 2019 से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण जी की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा का मर्मस्पर्शी मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सार्थक फिल्म में समाज और देश की उल्लेखनीय का चित्रण भी होता है और समस्याओं का भी। सभी देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तथा स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले पूर्वजों का सादर स्मरण किया। जलियांवाला बाग का नरसंहार और उनके बाद घटना हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न अंग है। आज पुरस्कृत सरदार उद्धव नामक फिल्म के द्वारा जलियांवाला बाग से जुड़ी स्वाधीनता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धारा से दर्शकों का परिचय होता है। अरुण चक्र से सम्मानित भारत माता के अमर सुपुत्र